हे गाइस, मैं बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। और पैक करने के लिए आलू है तीरे वाले, हल्दी, नमक और इसमें डाली मैंने कसूरी मेथी, हल्की सी मिर्च डालूँगी बस लाल। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बना रही हूँ मैं रोटी। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है मंडे, तो बच्चे गए हैं स्कूल और अनमोल को, आज अनमोल तो गया है, अनुराग को सुबह उठते ही उसको एक मतलब पता नहीं रात से क्या हो रहा था, कह रहा है कि मम्मी मुझे उल्टी आ रही है और मुझे चक्कर आ रहा है। तो उसने रात को दवाई नहीं खाई थी, तो अब उसे हमने दवाई दी है। तो उसको मैंने, फिर उसके डैडी ने मना कर दिया कि इसको मत भेजो, क्योंकि क्या फ़ायदा, फिर फ़ोन आ जाता है, छोड़ो रहने दो, मत भेजो। फिर मैंने उसे नहीं भेजा। तो आज है मंडे, तो हम करते हैं चलो फटाफट काम, घर का काम करते हैं। और फिर आज मुझे जाना है 3 जगह। एक जाना है मुझे घर का राशन लेने, राशन मिल रहा है क्योंकि आज हो गई 6 तारीख। और मैं जाऊंगी आज बैंक, अनुराग की बैंक की बुक लेकर आनी है मुझे, क्योंकि ये काम मेरा नहीं हुआ, 2 महीने हो चुके हैं। और एक मैं अभी जाऊंगी अनुराग के स्कूल, उसको आधार कार्ड की उसकी एक कॉपी देनी है, फोटो कॉपी, तो मैडम को मैं जमा करा कर आऊँगी। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद। मेरा काम हो गया फिनिश, ये देखिए सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है मैंने। और अब मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैं पानी गर्म होते ही नहा लूँगी। और अभी टाइम आपको बताती हूँ, हो रहे हैं 11:15 और मैं 2-4 बर्तन वो धो देती हूँ और फिर उसके बाद रसोई क्लीन करके अब मेरे पास पानी गर्म होने वाला है। फिर मैं नहा के जाऊंगी सबसे पहले अनुराग के स्कूल, वहां से जाऊंगी फिर सीधा बैंक, क्योंकि घर आ गई तो हिम्मत नहीं होएगी। तो एक ही रूट पकड़ूंगी, पहले स्कूल फिर बैंक, और देखते शाम को टाइम ओवर हो जाएगा, नहीं तो अगर ओवर हो गया तो कोई बात नहीं, अगर टाइम बचा तो फिर मेरे को गेहूँ लेकर आना है। देखते शाम तक ले आएंगे कोई नहीं, अगर टाइम नहीं लगा तो। तो चलिए, तो करते हैं बाकी का काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो ली हूँ और ये देखिए आज मैंने कुर्ता सूट पहना है। तो अब जा रही हूँ मैं सीधा अनुराग के स्कूल, स्कूल से जाऊंगी बैंक। तो चलिए, तो चलते हैं। देखिए गाइस, मैं अनुराग के स्कूल हो आई हूँ, होकर आ गई हूँ। मैडम नहीं थी तो मेरा वो काम नहीं हुआ, क्योंकि फोटो कॉपी देनी थी मुझे। तो अब जा रही हूँ मैं सीधा बैंक जा रही हूँ, वहाँ से पैदल पैदल निकलूँगी तो जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो चलिए, तो बहुत ही प्राउड है, बहुत ही ट्रैफिक है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने का टाइम हो गया है तो सड़कों पर बहुत क्राउड हो रहा है। तो चलिए, तो चलते हैं मिलते हैं आपको, फिर हम बैंक पहुँच कर। पर भी काम नहीं हुआ है क्योंकि अकाउंट नंबर मुझे पता नहीं है, तो अब अनमोल के पापा से बात करके तब मैं आऊँगी यहाँ पर अब कल, क्योंकि अकाउंट नंबर वो फ़ोन में आ जाता और मुझे नहीं आता निकालना, तो कैसे आएगा अकाउंट नंबर। तो चलिए, तो चलते हैं घर अब, कल आएंगे हम। कि मैंने दूध लिया है, क्योंकि आज दूध नहीं आया था, हमारा दूध खत्म हो गया। तो काऊ मिल्क लिया मैंने 1 किलो। तो और ये ब्लू वाली कितने की है? 54 रुपए की है। 54
कौन सा दूध अच्छा है इसमें से? जो आपने लिया है। अच्छा तो एक रुपये लालच मत करो। नहीं नहीं हम लालच नहीं करते हैं। इधर वाले इधर वाले। तो ये देखिए हमने ले लिए काओ मिल्क। मैं आ चुकी हूँ घर पे और मैं अब बनाऊंगी चाय, क्योंकि दीदी आई हुई है और तो अभी वहाँ पर मालती दीदी के घर है तो अभी आएंगी, तो मैं उन्हें यहाँ छोड़ के गई थी कि दीदी अभी पहचाना, मगर वो उनको देखने चली गई, जेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अभी आएंगी। तो मैं सोच रही थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि वहाँ तो दीदी चाय नाश्ता कर रही है, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। और आज मैंने नाश्ता भी नहीं करा, तो मैं नाश्ता भी करूँगी, थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ अभी फ़िलहाल, अनमोल आएगा फिर मैं जब खाऊँगी वैसे खाना। तो चलिए तो बनाती हूँ चाय। जीरा आलू बनाए थे तो एक रोटी खाती हूँ मैं और चाय मैंने चढ़ा दी है। तो देखिए हमारी चाय बन रही है, तो अब हम खाते हैं खाना। हमारी चाय बन चुकी है, अब हम डालेंगे इसे कप में। रुक जा। तो देखिए हमारी चाय हो चुकी है रेडी। रात के लिए मैंने खाना बना दिया है, दो बज चुके हैं और अनुराग खाना खा रहा। खा ले बेटा चाय, तो चाय दो। मैं चाय पीती हूँ। चल रोटी तो खा, रोटी खाएगा चाय पिएगा पहले, दोनों एक साथ कर लूंगा। पी रही हूँ चाय और मैंने एक रोटी खा ली और देखिए मैं पी रही हूँ चाय। तो चलिए तो चाय पीते हैं, और अनमोल अभी आया नहीं है तो वो आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ वो आएगा तो चलो जब आएगा जब ही देखी जाएगी। A few moments later, हमारी दीदी आई है हमसे मिलने के लिए, जिन्होंने प्रॉमिस करा था 6 तारीख को आओगी, तो आ गई है दीदी। तो दीदी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अभी कहीं चली गई थी, तो दीदी मालती दीदी के घर चली गई, तो वहाँ से अभी आई है, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और दीदी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, हो जाएंगी धीरे धीरे ठीक। देखो खांस रही है ना, पता चल गया। देखो इन्होंने बता दिया आपको कि मैं बीमार हो रही हूँ। तो चलिए तो दीदी को पिलाते हैं चाय और फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। ये चाय नाश्ता और दीदी के लिए बना रही, उबाल रही हूँ अंडे में। अब ये करो काज में एक लाओ। बुआजी ये करो, हंस रही है, ये करके दिखा दो बुआजी को। काज बहुत पैसा है इसके अंदर। ले ले। अरे ऐसा पैसा बना रहना चाहिए दीदी के पास। अभी मेरा हो गया। हाँ आज मन्नत ने कैसा हल्ला काट रखा है ये देखिए। आज तक कालू मदारी पे भी नहीं, जरा कालू मदारी बोलियो। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना नाच दे मन्नत। कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया, काला अपना भालू लाया रोतड़ा। देखो ये मदारी आया, ये कालू मदारी देखती है पोएम, देखती है तो खूब डांस करती है। कालू मदारी आ गया, मन्नत कालू मदारी आ गया, सो रहा है क्या हमारा कालू मदारी? छोड़कर आते हैं हम, रिक्शे में बैठा कर आते हैं। बाय कर दो, कर रही दीदी बाय कर रहा है, देख लो नीचे सोती है ये, ऐसे करती है बाय, ऐसे करा करो। और एक बोल दे दो, तस्वीर ले लियो ना। बाय बाय, फिर आना। हाँ आऊंगी जरूर, बच्चों के लिए कर आना। चल भाई तेरी भी बरा दी। देखिए गाइस मेरे देवर आए हैं आज, मेरे लिए स्पेशल चाय बनाई है, चाय बनाई है मैंने अपने देवर के लिए। ये ब्लू वाला आपका है ना, अच्छा स्पेशल चाय देवर के लिए। कभी कभी आते हैं ये स्पेशल ओकेशन पर, बुलाते हैं हम, बुलाते हैं ये आते नहीं है, हम इन्हें बुलाते हैं जब भी तो आते हैं। कभी बिना बोले या बिना कहे आयो, कभी भी नहीं आए। एक बार आए थे,
मैंने बुलाया है, इन्होंने बुलाया है, पास तो आया, हम दोनों ने बुलाया है। जब आप पता नहीं कब होएगी मेरे देवर की शादी, कब चलेंगे हम, कब मैं नाचती हूं घोड़ी पे, बेटा चलेंगे जो फैन वैन लेकर नहीं देना। तो हमारा खाना बन चुका है, तो हम खाना खा रहे हैं अब। ओ गाइस, भाग रहे थे तो मैंने रोक लिया कि खाना नहीं खाऊंगा मैं, कोई नहीं, खाना तो पड़ेगा ही। गाइस आज गुड न्यूज़ है, बताओ क्या बताएगा। अरे मम्मी वही अच्छा टीवी टीवी, हाँ एक गुड न्यूज़ है, मालती दीदी के यहाँ पर टीवी आ गया है नया, और उनका टीवी लग भी गया है। तो अनुराग कौन कर कराया था, ये कर कराया, उन्हें चलाना भी नहीं आता, वो कैसे ऑन करना, मतलब ऑन तो करते पर उस क्या सिस्टम है उन्हें कुछ नहीं पता, तो ये कर कराया वहाँ। पता नहीं माइक का आई क्यों नहीं, ना माइक दबाओ, बोल ले, चल ही नहीं रहा उसमें, लिखना। तो चलिए अनमोल के पापा, चलो चलो खाना खाते हैं, आज बैठो। खाना वाना खा लिया है और मैंने बर्तन क्लीन कर दिए हैं, और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हमने अभी बैठा रखा है, मेरे देवर आए हुए हैं, तो मन के चलो चाय वाय बना लेते दोबारा से, मैं चाय पी के ही जाना। तो बच्चों ने भी रोक लिया कि नहीं चाचा तुम रुक के जाओ, तो अभी एक घर छोड़ के घर है, तो हमारे आपको मैंने बताया बिताया, तो एक साथ हमारे घर बने हुए चाचा ताऊ के, मैंने कहा कौन सा दूर जाना है, बैठो अब चाय बना रही। देखी चाय बन चुकी है और अब मैं करके देती हूँ उन्हें चाय, फिर चाय पी के जाएंगे वो घर, बैठे हुए बातचीत करें अच्छा लग रहा है। देखिए हमारी चाय बन चुकी है और बर्तन देखिए मैंने क्लीन कर दिए हैं। ऐसी आईडी की बिल्डिंग में अगर तो भाई चुपचाप सो गए उस वो तो दिन में ही हां कैसे उठो ना, दिन में ही कुर्सियां पटकने की आवाज आ जा रही है। एक आईटीओ की वीडियो भी तो आई थी, आईटीओ इनकम टैक्स की तो है वो, हाँ वो कुर्सियां इधर से उधर फिट रही हैं, इनकम टैक्स की तो है वो वीडियो। थैंक यू, आज इन्होंने दो बार चाय पिला दी मेरे को जबरदस्ती। अरे जबरदस्ती हमने इन्हें खाना भी खिला दिया, खा नहीं रहे थे, हमने जबरदस्ती रोक के खाने खिलाया। फिर जब इनकी बहू आ जाएगी ना, ऐसी तो रहोगे फिर, नहीं आने क्यों, देखो लो छोटू कहाँ आते हैं। तो आज भूत प्रेतों की बातें चल रही है, हमने भूत प्रेतों की बातें छेड़ रखी है। मेरे को भाई जगह दे, या तो कुर्सी आगे कर, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। वो आईटीओ की तो वीडियो है, तो यहाँ चल रही है भूत प्रेतों की बातें बता रहे, कुर्सी खिसक जाती है, देखिए कुर्सी खिसक जाती है। नहीं वो तो कड़कड़ूमा की थी, कड़कड़ूमा की अलग है। गाइस मेरे देवर जा चुके हैं और अब हम लोग कर रहे हैं सोने की तैयारी, 11:15 हो चुके हैं। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में एक नए टाइटल के साथ, तब तक के लिए प्यार बाटी खुशियाँ बाटी है, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि लाइक आते ही नहीं है, तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपना। तो कल मिलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड टाटा, बाय बाय।